नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विकास ठाकरे के प्रचार संबंध में उत्तर नागपुर स्थित प्रहलाद लॉन टेका नाका में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समय महाविकास आघाड़ी अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस साथ ही साथ मित्र दल के सभी पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे, जहाँ विशेष रूप से उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत, कांग्रेस के युवक प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत आदि वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस वक्त विकास ठाकरे ने अपने विचार मंच पर रखे तो वही देश के विकास का वादा मौजूदों से किया। आज अपन पाहता या मंचावर बसलेला किंवा मी कोणीही नेता असेल हा तुमच्या मताच्या भरोशावर आहे मित्रांनो, हा तुमच्या मताच्या भरोशावर आहे आणि हा मत टाकण्याचा अधिकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे। या मताने पंतप्रधान म्हणतो आणि याच मताने घरी बसतो, परंतु काही लोक निवडून आल्यावर मी इतका श्रेष्ठ आहे की माझ्या पुढे लढायला कोणी तयार नाही, दुसऱ्या पार्टीत कोणी माणूस नाही असा प्रचार करतात। मी आता लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचाराला जाणार नाही, किसी को चाय पिलावणार नाही, बॅनर पोस्टर लगावणार नाही आणि पटकन गल्ल्या गल्ली फिरायला लागतात। मित्रांनो, हे जसं नितीन गडकरींनी म्हटलं होतं आणि त्याचा व्हिडिओ फिरून झाला एबीपी माझाची न्यूज आणि एबीपी माझाने ते दाखवलं की आता पदयात्रा चालू केली, तर मित्रांनो हा विजय या नागपूर शहरातील तुमच्या कार्यकर्त्यांचा विजय आहे की तुम्ही रस्त्यावर फिरायला। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। कि ये तो आज हमारा उत्तर नागपुर में हमने विकास भाव के प्रचार के लिए बिगुल फूक दिया है और हम जैसा कि मुत्तमार जी ने बोला कि मुत्तमार जी को पहली बार 99 में उत्तर नागपुर से 55,000 की लीड दी गई थी और हम इस बार सबको शाश्वत करना चाहते हैं विकास भाव को कि हम 55,000 से ज़्यादा की लीड उत्तर नागपुर से देके विकास भाव को यहाँ पर खासदार बनाएंगे। उत्तर नागपुर में बहुत अच्छी तैयारी चालू है, हम लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझा करके बता रहे हैं कि 10 साल में बीजेपी ने क्या किया और उसके पहले कांग्रेस ने क्या किया। सिर्फ बीजेपी ने देश को लूटने का काम किया है, ना कि कोई एक विकास का काम किया है। मोदी ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का युवाओं को वादा किया, पूरा नहीं किया, 15 लाख रुपए देने का वादा किया, कुछ भी नहीं किया। एवं नितिन गडकरी ने 10 सालों के अंदर में नागपुर का कोई विकास नहीं किया, रास्ते बनाकर अपने कमीशन बनाकर उन्होंने काम किया है, किसी भी सुशिक्षित बेरोजगार को नौकरी देने का काम नितिन गडकरी ने नहीं किया। आज से नहीं 5 साल से चालू थी, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारा प्रत्येक बूथ पे 5-5, 10-10 लोगों की टीम तैयार थी और आज उसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं। जो कभी नहीं था ऐसा जोश आज कांग्रेस पार्टी में है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं क्योंकि शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी जो जनसंपर्क में रहते हैं कार्यकर्ताओं के, रात में 12-1-2 बजे कभी भी फोन आए कार्यकर्ताओं के काम के लिए तत्पर होते हैं, ऐसी जनता से डायरेक्ट जिनकी नाड़ जुड़ी है, ऐसा उम्मीदवार देने के वजह से नागपुर का पूरा हाल बदल चुका है। नितिन गडकरी जी जो बोल रहे थे चाय नहीं बांटूंगा, पैसे नहीं बांटूंगा, दारू नहीं बांटूंगा, ये सब कर रहे हैं, गल्लो गल्ली नगर सेवक जैसा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी नागपुर शहर का अगला खासदार कांग्रेस का हमारा महाविकास आघाड़ी का विकास ठाकरे होने जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट जनता के बीच में उपलब्ध होते हैं। नितिन गडकरी जी से मुलाकात करने के लिए हमें अनेक प्रयत्न करने के बाद नागपुर की जनता उनसे मुलाकात नहीं कर पाती, लेकिन विकास ठाकरे जी को रात में 12-1 बजे भी जनता का कोई सामान्य नागरिक भी फोन करता है तो वो सेवा के लिए तत्पर खड़े होते हैं और ये आज का दौर नहीं है, जब वो नगर सेवक थे, जब वो आमदार बने और वो खासदार भी बनेंगे तो जनता से डायरेक्ट जनसंपर्क में रहेंगे, इसलिए आने वाला वक्त कांग्रेस का वक्त है, हमारे विकास ठाकरे जी चुनाव जीतने वाले हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहड़ के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।